यो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉक्स रूट वीडियो। और आज की ब्लॉक्स रूट की वीडियो में हम मैक्स आउट करने जा रहे हैं इस गेम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रूट को। या तुमने सही सुना, हम किट्सुने को मैक्स करने वाले। लेकिन एक दिक्कत है गाइस, उसमें किट्सुने फ्रूट सबसे बेस्ट है, जिसका मतलब है कि वो सबसे महंगा भी है। जैसे कि तुम यहां पे देख सकते हो, किट्सुने फ्रूट पूरे 4000 रोबक्स का आता है। और मेरे पास भाई इतने सारे रोबक्स तो है नहीं, ये 4000 रुपीस का भी आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको रोबक्स में कन्वर्ट करूं तो। लेकिन लास्ट वीडियो में तुमने देखा था, किसी ने मेरे को यहाँ पे किट्सुने फ्रूट गिफ्ट किया था, जो कि अब मैं यूज कर सकता हूँ। और मैंने भाई किट्सुने कभी भी यूज नहीं किया है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो गाइस, अरे ये इसके टेक्सचर को क्या हुआ, तो देखते हैं कि अब ये फ्रूट कितना पावरफुल है और एक्चुअल में क्या इसका प्राइस 4000 रोबक्स होना चाहिए या नहीं। तो एक काम करते हैं गाइस, इस फिजिकल किट्सुने फ्रूट को अपन खा लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। मैंने यहाँ पे फ्रूट को खा लिया और तुम देख सकते हो, ओ मेरे पे एक टेल आ चुकी है ब्लू कलर की। भाई ये टेल कितनी कूल लग रही है। ओ लेट्स गो गाइस, अभी आई थिंक मेरे पास एक M1 एबिलिटी भी होती है, मैं मार के देखता हूँ। ओए ये क्या है, अबे ये तो मैंने आज तक किसी फ्रूट में नहीं देखा है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत कूल है गाइस। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। अब इसका मतलब है कि मैं आसानी से NPC से फाइट कर सकता हूँ। मैं जल्दी से किसी NPC के पास में जाता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो ये NPCs है, इनको मैं दूर से ही इस तरीके से मार सकता हूँ भाई। ओ हाँ, एक चीज तो मैं करना भूल गया गाइस, मेरे को अपने स्टैट्स को रीसेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं स्वॉर्ड वाले स्टैट्स को यूज कर रहा था, अब मेरे को ब्लॉक फ्रूट वाले स्टैट्स पे आना पड़ेगा। तो एक काम करते, जल्दी से अपने स्टैट्स को मैं रीसेट कर लेता हूँ। सो देयर वी गो, बूम बूम एंड बूम, यहाँ पे मैंने ब्लॉक फ्रूट को मैक्स आउट कर लिया गाइस, विच मीन्स अब मैं यहाँ पे डैमेज करूंगा। देख सकते हो तुम गाइस, सिर्फ मेरे M1 से, मैंने अभी तक कोई एबिलिटी भी नहीं यूज किया। ये क्या था, ये क्या है, अबे ये कैसे भाग रहा हूँ मैं, और मेरा पोज भी चेंज हो गया है। What? अबे ये क्या हो रहा है, Let's go guys! इसका और मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई। ओ भाई, मे भी हो सकता है, मेरे को अभी तक तो लगता था कि लाइट फ्रूट जो होता है वो इस गेम का फास्टेस्ट फ्रूट होता है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस कि ये किट्सुने फ्रूट इस गेम का फास्टेस्ट फ्रूट है। अब एक काम करते हैं, पहली एबिलिटी मैं यहाँ पे तुमको यूज करके दिखाता हूँ इस NPC पे। Let's go! ओ भाई साहब, ये तुम देख सकते हो क्या हो रहा है, मेरे ऊपर एक और बन के आ गई है। एंड अगर मैं इसके ऊपर ऐसे छोड़ता हूँ, इसको डैमेज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ओह पड़ा, ओह 3000 का डैमेज पड़ा। वैसे तो बहुत स्लो है ये फ्रूट देखा जाए तो, लेकिन बहुत अच्छा डैमेज पड़ गया गाइस इसको। यहाँ पे और यहाँ पे मारते हैं, क्योंकि मेरा, ओह देख सकते हो तुम, एक और टेल आ चुका है, मेरे 3 टेल हो चुके हैं, और आई थिंक मैं थोड़ा सा और फास्ट हो चुका हूँ। भाई ये फ्रूट लिटरली बहुत ज्यादा OP और बहुत ज्यादा कूल लग रहा है भाई। आई आई आई, मार मत मेरे को, इसको तो मैं ऐसे आराम से मार दूंगा। लेट्स गो। ओ मेरा यहाँ पे लेवल अप भी हो गया, क्या मेरे को मेरा पहला एबिलिटी खुल जाएगा? यस, हमें हमारा पहला एबिलिटी भी यहाँ पे मिल गया है, टेल्स ऑफ बर्निंग Agony, guys, ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे किसी NPC पे यूज करता हूँ मैं, इस वाले NPC पे यूज करके देखते हैं। एंड बूम, ओ भाई लेट्स गो, ये तो भाई ये तो बहुत क्रेजी है कॉम्बो करने के लिए। एक मिनट ना, मैं अगर इसको शार्क एंगर के साथ कॉम्बो करने का ट्राई करूँ तो देखते हैं कि ये कैसा होगा। ये हमारा शार्क एंगर और ये ओ भाई लेट्स गो भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा हाई डैमेजिंग मेरे को ब्लॉक सूट लग रहा है। लेट्स गो गाइस, अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से इसकी मास्टरी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 टेल आ चुके हैं, चलते हैं केक क्वीन के पास। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे अपनी केक क्वीन के पास आ चुका हूँ, अब जल्दी से इसको मार के मैं अपना किट्सुने का मास्टरी अप कर लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस ये 1 HP पे आ चुकी है, जल्दी से इसको मार के मेरे को देखना है कि मेरा कितना ज्यादा लेवल अप यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 157 लेवल यहाँ पे मेरा अप हो चुका है। और मेरा एक और यहाँ पे एबिलिटी खुल चुका है, फॉक्स फायर डिसरप्शन। अब इसको देखते हैं कि ये एबिलिटी कैसा दिखता है यहाँ पे, इस बंदे को मार के देखते हो अपन। सी मूव, ओए ओए ये क्या हुआ एकदम से। ओके एक बार और मार के देखता हूँ मैं इस एबिलिटी को। यहाँ पे मैं अगर सी होल्ड करता हूँ, ओ मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, तभी ये ऐसा हुआ, देख सकते हो तुम गाइस। देखो भाई एकदम भाई स्पिरिट ऑर्ब जैसा लग रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे फेंक देता हूँ आगे,
ओ भाई साहब, ये तो क्रेजी एबिलिटी है भाई ये भी। तो गाइज यहाँ पे 299 लेवल हमारे हो चुके हैं कित्सुने के, एंड ये फाइनल एनपीसीज को मारने के बाद मेरे हो जाएंगे 300 लेवल और मेरा लास्ट यहाँ पे एबिलिटी खुल जाएगा जो कि है भाई ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं गाइज ये किस टाइप का एबिलिटी है। और यहाँ पे मेरे हो चुके हैं 302 लेवल और यहाँ पे नया एबिलिटी खुल गया है। जल्दी से इस एबिलिटी को यूज करके देखते हैं इस एबिलिटी से क्या होता। ओ भाई साहब लेट्स गो, ये क्या क्रेज भाई, ओपी ये क्या क्रेज इसी एबिलिटी है भाई। अबे ए, 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 मैं पानी में भी चल सकता हूँ, व्हाट। ओ मेरा डैश भी अलग हो चुका है भाई, लेट्स गो, मैं तो पूरे ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ भाई आइलैंड टू आइलैंड। ब्रो ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया भाई, ये तो भाई भाई वर्थ इट है भाई। आई डोंट नो 4000 रोबक्स वर्थ इट है कि नहीं, लेकिन पूरे गेम का बेस्ट फ्रूट तो ये है भाई, इसमें तो कोई भी डिनायल नहीं है। तो गाइज अभी मैं सारे एबिलिटीज को यूज करके देखता हूँ ना, क्योंकि आई थिंक ना एबिलिटीज भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। एंड गाइज ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे मैं अगर जेड एबिलिटी यूज करूँ तो ओए ओ बॉय ये तो और भी ज्यादा कूल लग रहा है, इसको मारते हैं अपन। ओ भाई साहब ये कितना 5000 का डैमेज। ओके एक्स एबिलिटी यूज करके देखते हैं अब एक्स एबिलिटी से क्या होता है। तो यहाँ पे एक्स एबिलिटी यूज करते हैं। ओ बूम, ओ भाई साहब टेल्स निकल के आया, तुमने देखा भाई, मैं इसको फिर से यूज करना चाहता हूँ। गाइस टेल्स निकल के आए थे, मैं फिर से टेल देखना चाहता हूँ वाले, एंड बूम बॉय। ओ भाई टेल्स निकल के आते हैं भाई बड़े बड़े। ओके ये तो बहुत ज्यादा कूल है, अब सी वाली एबिलिटी यूज करके देखते हैं। ओके ये तो सेम है लेकिन 6000 का डैमेज, बाप रे ये तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है गाइस। अभी एफ एबिलिटी यूज करके देखते हैं। ओके एफ एबिलिटी भी थोड़ा सा यूनिक है, तुम देख सकते हो पीछे में वहां पे कुछ फ्लेम सा बन गया था ब्लू कलर का। तो ये फ्रूट सच में बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन क्या ये फ्रूट पीवीपी के लिए भी ओपी है वो तो हमको अभी थोड़े देर बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं इसके साथ पहले तो कोई कॉम्बो सीखना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ पब्लिक लॉबीज में वहां पे पीवीपी करने के लिए कित्सुने फ्रूट के साथ। तो देखते हैं ये फ्रूट पीवी। एंड गाइस इस सर्वर में लोग फाइट कर रहे हैं, चलो जल्दी से यहाँ पे फाइट ज्वाइन कर लेते हैं हम भी। अरे अरे तो पोर्टल के अंदर चले गए यार बंदे, चलो हम भी अंदर चलते। ओ मेरे को भी पड़ गया यार। ओ वेट यार आई थिंक किसी का V4 एक्टिव है, ओ साइबॉर्ग V4 एक्टिव है गाइस किसी का। ओके एक बंदा मर गया है, अब ये बचा है, लेकिन यार ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस बंदे का V4 ऑलरेडी एक्टिव है। लेकिन ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे कॉम्बो करने का, पड़ा अच्छा इसने अपना V4 एक्टिव V3 वाला एबिलिटी ऑन कर लिया था इसलिए ये फुल्ली कॉम्बो से मरा नहीं। अभी अगर ये बाहर आएगा ना तो हम इसको होपफुली भाई ये मेरा किल लेने वाला है भाई, नहीं नहीं किल मत चुरा लियो मेरा। ओके बच के मेरे को किल मिला यार, हेलो बॉय का किल मेरे को यहाँ पे मिल गया है। 1 down 4 more to go, अब ट्राई करते हैं इस बंदे को भी यहाँ पे मारने का। यार ये तब से उड़े जा रहा है, इसको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओ ये फिर आ गया आई थिंक, लेट्स गो। ओके ओ लेट्स गो भाई, इस बंदे को मेरा फुल कॉम्बो पड़ गया, ये मर गया बहुत ही आसानी से। अब ये लाइट वाले को देखते हैं यार, ये बंदा मर ही नहीं रहा है, तब से उड़े जा रहा है इधर उधर, ये अभी बताते हैं इसको अपन। ओके ये यहाँ पे 1 HP है, होपफुली मैं इसको मार दूं यार। अब यहाँ पे सी मू, ओ भाई गलती से मेरा वी दब गया सी, अरे यार गलती से मेरा वी दब गया, कहाँ गया ये। ओ नो आई थिंक इस बंदे ने भाई लाइट वाले यूजर को मार दिया। अवे चलो कोई बात नहीं यार, इसी को मार के अपन अपना काम चला लेते हैं। ओके तो यहाँ पे एक नया बंदा आ गया, एंड ये थोड़ा लो भी कर दिया मैंने इसको यार, ये भाग रहा है यार। एंड जी मूव लेट्स गो, और इसी के साथ एक और किल यहाँ पे। अब जल्दी से चल के भाई इससे निपट लेते हैं। ये रहा वो बंदा, देवी को सी देन एक्स देन कैच हिम उसके बाद सी। ओ अरे इसको डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा, ओ इसने अपना एबिलिटी वगैरह ऑन किया होगा, बट ये बहुत लो है। इसी के साथ डेड। अब यहाँ पे एक और बंदा, इसको भी अपन जल्दी से फेल देते हैं। फुल कॉम्बो। तो गाइस यहाँ पे हमने कित्सुने को तो मास्टर कर लिया था, मैं कह सकता हूँ कि मैंने मास्टर कर लिया है। तो अगर इसके बाद तुम कोई सा भी और कॉम्बो देखना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई सा भी फ्रूट हो वो या कोई सा भी सॉर्ड हो या फाइटिंग स्टाइल के साथ तुम देखना चाहते हो कॉम्बो को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस कॉम्बो को या उस फ्रूट को भी मास्टर करेंगे। और हाँ
क्या मैं इस फ्रूट को और इस वाले कॉम्बो को यूज करके अपनी बाउंटी हंट करूंगा? बिल्कुल नहीं यार, किट्सुने अच्छा है लेकिन मेरे को मजा नहीं आता। मेरे लिए तो भाई सैंग्विनार्ट पोर्टल और वो जो शार्क एंकर वाला कॉम्बो है ना, वो मेरा फेवरेट है और हमेशा फेवरेट रहेगा। बहुत मजा आता है मेरे को वो यूज करने में। तो अभी के लिए तो इस वाले कॉम्बो को हम गुड बाय बोलते हैं और मैं तुमसे गुड बाय बोलता हूँ। मिलूंगा मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।